हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। इफ ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी तक आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एक ही वेरिएबल था, अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक ए और एक बी। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करी थी अब दोनों की वैल्यू लगा देंगे। तो फर्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह लिख देंगे -2 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए की जगह 2 लिखना है और बी की जगह -2 एज इट इज लिखनी है। अब 2 का स्क्वायर है तो मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 प्लस साइन जो है वही लगाना है। अब -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अब साइन क्या आएगा, -, प्लस, तो साइन हो गया प्लस का, तो 4 + 4 = 8, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 8। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 और ये बी की वैल्यू है -2, तो इनको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साइन भी है, प्लस ब्रैकेट में -2 और 2, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उनको आप ब्रैकेट्स में लिखिए फर्स्ट स्टेप में। अब ब्रैकेट खोलते जाइए, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 2 = 4 प्लस, अब 2 2 = 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और साइन हो गया माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए -4। अब क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, अगर प्लस होता तो ऐसे ही लिख सकती थी मैं। प्लस एक बार आप जो साइन है वही लिखिए और जो अगर वैल्यू में माइनस का आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। प्लस अब माइनस का 2 स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि यहां पे भी कर रहा था ना 2 2 = 4 और माइनस प्लस 4, अब ये प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 + 4, तो 4 - 4 + 4, अब 2 प्लस के हैं 4, तो 4 + 4 इसको इधर ले गए हम -4, 8 - 4 = 4, तो इसका आंसर है 4। लास्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर, 2 2 = 4 माइनस, अब ये क्या है -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 2 2 = 4 और -- प्लस, तो 4 - 4 = 0। तो चाहे एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, जितनी भी वैल्यू आपको गिवन है आप उन वेरिएबल की जगह रखते जाइए, बस साइन का ध्यान रखिए और स्टेप भले ही एक ज्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने स्टेप एक छोड़ दिया तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा।